Today we will solve illustration number 4, which is taken from second chapter of income tax, residential status and tax liabilities. The question is, explain the reasons and the residential status of the following SSCs for the assessment year 2021 under the Income Tax Act. First is, Mr. X is the Karta of Hindu undivided family. On 1st April 2019, he went outside India for the first time to go under his treatment. In his absence, the control and management of the family affairs was exercised by the senior most member, I. Without the guidance of Mr. X, Mr. X remained outside India up to 31st March 2020. आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित करदाताओं के निवास स्थान संबंधित स्तर का कारण सहित प्रकाश डालिए। इसमें से पहला है, श्री एक्स एक हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता है। 1 अप्रैल 2019 को वे अपना इलाज करवाने के लिए प्रथम बार भारत से बाहर गए। उनकी अनुपस्थिति में परिवार का प्रबंध एवं संचालन परिवार के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति वाई ने बिना एक्स के मार्गदर्शन के किया। श्री एक्स 31 मार्च 2020 तक भारत के बाहर ही रहे। कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें HUF का जो कर्ता है वो भारत से बाहर रहा है। कर निर्धारण वर्ष से 2020-21 के लिए HUF का रेजिडेंस स्टेटस क्या होगा, देखते हैं। कर निर्धारण वर्ष से 2020-21 के लिए उक्त परिवार निवासी होगा, क्योंकि गत वर्ष 2019-20 में परिवार का प्रबंध एवं संचालन भारत में स्थित रहा है। चाहे भले ही इसका कर्ता संपूर्ण वर्ष या संपूर्ण गत वर्ष में भारत से बाहर रहा हो। इसके अतिरिक्त श्री एक्स जो कि परिवार का कर्ता है, गत वर्ष से पहले के 10 वर्षों में 2 वर्ष के लिए भारत का निवासी रहा है तथा गत वर्ष के तुरंत पहले के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहे हैं। अतः परिवार निवासी होने की सभी शर्तें पूरी करता है। तो जो करता है वो पहली बार ही भारत से बाहर अपना इलाज करवाने के लिए गया, पूरा प्रीवियस ईयर में वह भारत से बाहर ही रहा, लेकिन परिवार का जो कार्य है वो परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य वही है उसके द्वारा किया गया है। इसका मतलब है कि परिवार का जो नियंत्रण और संचालन का कार्य भारत में ही किया गया है और जो करता है वो पहली बार ही भारत से बाहर गया है। इसका मतलब इस प्रीवियस ईयर से पहले के 10 वर्षों में वह भारत का निवासी रहा, तो जो दूसरी शर्त है 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी रहना, वो कंप्लीट हो जाती है। और जो तीसरी शर्त है कि निवासी या कर्ता द्वारा प्रीवियस ईयर से पहले के 7 वर्षों में 730 डेज के लिए भारत में रहना आवश्यक है, तो ये जो शर्त है वो भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि वो जो करता है वो पहली बार ही गया, इसका मतलब उससे पहले प्रीवियस ईयर से पहले वो कंटिन्यूस भारत में रहा है, तो थर्ड जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवार HUF भारत में प्रीवियस ईयर में निवासी कहलाएगा। सेकेंड, A & Company is an Indian company whose business situated in India and South Africa during the previous year ending 31st March 2020. The effective management of business was exercised from South Africa. In the previous year, the income accruing and arising in South Africa was much more than the income accruing in India. ए एंड कंपनी एक भारतीय कंपनी है जिसका व्यापार भारत और दक्षिणी अफ्रीका साउथ अफ्रीका में है। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में इसका कारोबार का प्रभावी प्रबंध दक्षिणी अफ्रीका से होता रहा। उससे गत वर्ष में इस कंपनी का दक्षिणी अफ्रीका से अर्जित और उदित होने वाली आय भारत में अर्जित एवं उदित होने वाली आय से बहुत अधिक थी। अर्थात ए एंड कंपनी एक भारतीय कंपनी है जिसका कार्य साउथ अफ्रीका में भी है और इंडिया में भी है, और जो प्रीवियस ईयर है उसमें इसका जो संचालन का कार्य है वो पूर्ण रूप से साउथ अफ्रीका में किया गया है।
और जो इनकम है साउथ अफ्रीका से जो इनकम होती है वो इंडिया से जो इनकम थी उससे कहीं अधिक थी। ए एंड कंपनी, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए एंड कंपनी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निवासी होगी क्योंकि यह धारा 6(3) के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करती है। इस कंपनी को निवासी बनने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि यह एक भारतीय कंपनी है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि भारत में अर्जित होने वाली आय अधिक है अथवा विदेश में अर्जित होने वाली आय इनकम अधिक है। एक भारतीय कंपनी का प्रभावी प्रबंध यदि भारत के बाहर से होता है तब भी वह कंपनी भारत में निवासी कंपनी ही कहलाएगी। तो निवासी होने के लिए दो शर्तें हैं, या तो वो भारतीय कंपनी हो या उसका जो प्रबंध और संचालन भारत से किया जा रहा हो। तो दोनों में से एक शर्त भी पूरी हो जाती है तब वह कंपनी भारतीय कंपनी कहलाएगी। क्वेश्चन में जो ए एंड कंपनी है जो भारतीय कंपनी है तो पहली शर्त इसकी फुलफिल हो रही है तो यह भारतीय कंपनी कहलाएगी, चाहे इसका नियंत्रण भारत से बाहर साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, फिर भी फर्स्ट जो कंडीशन है उसको फुलफिल किए जाने पर यह भारतीय कंपनी कहलाएगी। और साउथ अफ्रीका से इनकम ज्यादा हो रही है, इंडिया से जो इनकम है वो कम हो रही है, इसका कोई महत्व नहीं है, वो भारतीय कंपनी है और भारतीय इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उसको निवासी माना जाएगा। ओके।